पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। अब पाइप्स, वो पाइप वो चीज हो गई जिसके थ्रू पानी जाएगा या कोई भी लिक्विड जाएगा या ऑयल जाएगा, और सिस्टर्न क्या हो गया, सिस्टर्न हो गया टैंक जिसके अंदर पानी इकट्ठा होगा। तो एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को ट्रांसफर करने के लिए पाइप यूज होता है, और पानी को कहीं पर भी इकट्ठा करने के लिए वो सिस्टर्न यूज होता है या फिर टैंक यूज होता है। तो इसमें टोटल 5 रिजल्ट्स हैं, वो 5 रिजल्ट्स हम नोट करेंगे। रिजल्ट नंबर वन लिखें, रिजल्ट वन, और इनका सबका ना, इन सबका प्रॉपर प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें वो प्रूफ्स करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट वन देखेंगे, टू पाइप्स ए एंड बी सेपरेटली कैन फिल अ टैंक। टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन इन एन ए एंड एन बी आर रिस्पेक्टिवली, इन एन ए एंड एन बी आर्स रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन एन ए बी आर्स, इफ ए एंड बी टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन एन ए बी आर्स, देन वन अपॉन एन ए बी, देन वन अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन बी, वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन बी। ठीक है, मैं आपको 5 रिजल्ट्स लिखवाऊंगा, अभी पांचों रिजल्ट्स आप नोट करते चले जाओ, फिर मैं पांचों के पांचों एक्सप्लेन करूंगा, और इन रिजल्ट्स की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन करना ना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो हमें उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि एक टैंक जो है, अगर सेपरेटली अगर एक पाइप जो है वो पूरे एक टैंक को 5 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में भरने वाला टाइम कितना, 1/5। तो हमें वो नहीं, उतना सब कुछ नहीं देखना है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स से हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी और बहुत शॉर्ट हो जाएगी। तो आप पहले ये रिजल्ट्स नोट कर लो, फिर मैं समझा दूंगा एक एक रिजल्ट। ये रिजल्ट वन है, इसी तरीके से रिजल्ट टू, इसी तरह से है रिजल्ट टू। रिजल्ट टू में नोट करें, टू पाइप्स ए एंड बी सेपरेटली कैन फिल अ टैंक इन एन ए एंड एन बी आर रिस्पेक्टिवली। टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक, टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन एन ए एंड एन बी आर रिस्पेक्टिवली, इन एन ए एंड एन बी आर रिस्पेक्टिवली, इन एन ए एंड एन बी आर रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। इफ द टैंक कैन बी फिल्ड व्हेन पाइप ए, इफ द टैंक कैन बी फिल्ड
when pipe A fills for ARs, when pipe A fills for ARs and small ARs, and pipe B fills for small b r's, then a upon na plus b upon nb is equal to 1. A upon na plus b upon nb is equal to 1. ये हमारा result 2 है. फिर नोट करेंगे रिजल्ट 3. रिजल्ट 3 है, पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक सेपरेटली. पाइप्स ए बी एंड सी कैन पाइप्स ए बी एंड सी कैन pipes A, B and C can fill a tank separately in NA, NB and NCR respectively. Can fill a tank separately in NA, can fill a tank separately in NA, comma NB and NCR respectively. NA, NB and NCRs respectively, NA, NB and NCRs respectively, full stop, if all the three pipes taken together, if all the three pipes taken together fill the tank in NABCRs, fill the tank in NABCRs, in NABCRs, then in NABCRs, then 1 upon NABC then 1 upon NABC is equal to 1 upon NA, plus 1 upon NB, 1 upon NA plus 1 upon NB plus 1 upon NC. ये रिजल्ट 3. रिजल्ट 3 के बाद रिजल्ट 4. रिजल्ट 4 में लिखेंगे एन इनलेट पाइप कैपिटल ए कैन फिल अ टैंक. एन इनलेट पाइप कैपिटल ए कैन फिल an inlet pipe capital A can fill a tank in NARs, can fill a tank in NARs, and an outlet pipe capital B and an outlet pipe capital B and an outlet pipe capital B can empty the full tank, can empty the full tank in NBRs, can empty the full tank in NBRs. Bracket mein likhenge NB greater than NA, NB
greater than Na, full stop. If on opening both the pipes together, if on opening both the pipes if on opening both the pipes together, comma, the tank can be filled in NaB hours. The tank can be filled in the tank can be filled in NaB hours, comma, then one upon NaB is equal to one upon Na minus one upon NB. चौथा रिजल्ट, पांचवा और देखिएगा. रिजल्ट फाइव में है, एन इनलेट पाइप कैपिटल ए कैन फिल अ टैंक can fill a tank in NaRs, and an outlet pipe capital B can empty the full tank B, and an outlet pipe can empty the full tank in NBRs. Full tank in NBRs, और ब्रैकेट में लिखें NB is less than NA, full stop. If on opening both the pipes together, comma, the tank can be emptied, comma, the tank can be If on opening both the pipes together, the tank can be emptied in NaB hours. then one upon NaB is equal to one upon NB minus one upon NA. देखिए, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स में ये पांच रिजल्ट्स हैं, और ये पांचों रिजल्ट्स जो हैं, ये जो हमने लिखे हैं ना, लिखे हुए तो आपको लग रहा होगा कि काफी बड़ा लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन समझ में एक बार आ जाए तो फिर आप समझ लेना कि पाइप्स और सिस्टर्न्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए. पहला रिजल्ट देखिए, पहला रिजल्ट ये है, नोट कर लिए ये पांचों, बताइए. यस सर. नोट कर लिए कृतिन, बताओ. कृतिन नोट कर लिया.
नहीं आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, अब आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है, मैं कह रहा हूँ कर लिया, नोट कर लिया। यस सर, यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट वन, पहला रिजल्ट ये कहता है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन एन ए एंड एन बी आर रिस्पेक्टिवली। दो पाइप्स हैं ए और बी, ये सेपरेटली मतलब अलग अलग, दे कैन फिल अ टैंक इन एन ए एंड एन बी आर रिस्पेक्टिवली। अगर हम दो पाइप्स की बात करते हैं, एक पाइप है ए और एक पाइप है बी, अगर सिर्फ पाइप ए को ऑन करा जाए तो वो एक टैंक एक ही है, टैंक अलग अलग नहीं है, टैंक मतलब एक बड़ा कंटेनर है, तो अगर सिर्फ उसके अंदर पाइप ए डाल दिया जाए तो पाइप ए अकेला उसको एन ए आर्स में, एन ए आर्स कितना भी हो सकता है, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, कितना भी हो सकता है, तो वो एन ए आर्स में उसको टैंक को अकेला फिलअप कर देता है। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहते हैं कि जो अगर सिर्फ पाइप बी डाल दिया जाए टैंक के अंदर, तो वो एन बी आर्स में, अगर अकेला पाइप बी डाल दिया जाए तो वो एन बी आर्स में उस टैंक को फिलअप कर सकता है। ये चीज हो गई, दो चीजें तो ये हो गई, एन ए और एन बी। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन एन ए बी आर्स, अगर ए और बी टुगेदर, ए और बी साथ साथ अगर एन ए बी आर्स में फिलअप करते हैं तो क्या हो जाएगा? सीधी सीधी बात ये है, हम ये कहेंगे कि ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन एन ए बी आर्स। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वन अपॉन एन ए का मतलब ये है कि इतना पोर्शन टैंक का, इतना पोर्शन तो पाइप ए ने भर दिया और टैंक का इतना पोर्शन पाइप बी ने भर दिया, तो दोनों ने मिलकर क्या भर दिया? पूरा का पूरा एक टैंक भर दिया, वन अपॉन एन ए बी। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या है? ये है कि एन ए बी आर्स में पाइप ए जो है, एन ए आर्स में पाइप ए जो है वो पूरे टैंक को भर देता है। ठीक है, तो एक घंटे में वो कितना, एक घंटे में वो कितना पोर्शन भर देगा? हम बोलेंगे वन अपॉन एन ए पोर्शन। एक घंटे में पाइप बी कितना भर देगा? हम बोलेंगे वन अपॉन एन बी पोर्शन। दोनों को ऐड कर दिया तो हम ये कहेंगे वन अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन बी। पहला रिजल्ट तो ये है। दूसरा रिजल्ट देखिए, अब हम बोलते हैं कि टू पाइप्स ए एंड बी सेपरेटली फिल अ टैंक इन एन ए एंड एन बी आर रिस्पेक्टिवली इफ द टैंक कैन बी फिल्ड। अब जो टैंक है वो भर दिया जाता है, वो कितनी देर में भरते हैं, वो कितनी देर में भरा जाएगा? हम ये कहेंगे कि पाइप ए जो है वो तो ए आर्स तक चालू रहे, ठीक है, और पाइप बी जो है वो बी आर्स तक चालू रहे, तो एक घंटे में पाइप ए कितना पोर्शन भर देता है? वन अपॉन एन ए। तो ए आर्स में, स्मॉल ए में क्या होगा? ए इंटू वन अपॉन एन ए, यानी कि ए अपॉन एन ए, और बी आर्स में पाइप बी कितना पोर्शन भरेगा? बी इंटू वन अपॉन एन बी, तो बी अपॉन एन बी हो गया। इन दोनों का सम क्या होगा? वन के बराबर, मतलब पूरा एक टैंक भर देंगे ये दोनों मिलकर। तो पाइप ए चालू रहा ए आर्स के लिए, पाइप बी चालू रहा बी आर्स के लिए, तो इसके लिए जो हम लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखते थे ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा कि पाइप ए चालू रहा, पाइप ए अकेला एक टैंक को भर देता है एन ए आर्स में, पाइप बी अकेला एक टैंक को भर देता है एन बी आर्स में, और पाइप ए चालू रहा स्मॉल ए आर्स तक, और पाइप बी चालू रहा स्मॉल बी आर्स तक। तो बस ये रिलेशन याद रखो, ए अपॉन एन ए प्लस बी अपॉन एन बी इज इक्वल टू वन। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ये रिजल्ट टू हुआ। रिजल्ट थ्री देखिए, रिजल्ट थ्री में कुछ भी नहीं है, रिजल्ट थ्री, yes, हाँ ओके, रिजल्ट थ्री जो है वो रिजल्ट वन के जैसा है। इसमें क्या है कि अब दो पाइप्स नहीं है, अब तीन पाइप्स हैं। पाइप ए अकेला भर देता है टैंक को एन ए आर्स में, पाइप बी अकेला भरता है एन बी आर्स में, और पाइप सी अकेला उस टैंक को भरता है एन सी आर्स में। तो हम ये कहेंगे अगर तीनों पाइप्स मिलकर एन ए बी सी आर्स, एन ए बी सी आर्स मतलब जो है वो टोटल, उन्होंने बोला कि टोटल टाइम टेकन, तो अगर तीनों पाइप मिलकर एन ए बी सी आर्स में उसको फिलअप करते हैं तो वन अपॉन एन ए बी, एन ए बी सी इज इक्वल टू वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन बी प्लस वन अपॉन एन सी। सीधी सीधी बात समझिए कि यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, तो तीसरी टर्म और आ गई, बस बताइए, क्लियर है? Yes, sir. अभी आप देखिएगा रिजल्ट नंबर फोर जो है, रिजल्ट नंबर फोर में क्या है, रिजल्ट नंबर फोर में क्या है कि पाइप है दो, एक ए है और एक बी है। ए पाइप तो इनलेट पाइप है, यानी कि ए पाइप क्या कर रहा है, ए पाइप से तो टैंक के अंदर पेट्रोल आ रहा है, और बी पाइप जो है वो इंजन में जा रहा है, वो जो पाइप है वो आउटलेट पाइप है। तो ए पाइप तो इनलेट पाइप है, जो हम पेट्रोल पंप पे जो हम डलवाते हैं पेट्रोल, तो वो तो इनलेट पाइप हो गया कि उससे तो टैंक के अंदर पेट्रोल आया,
ठीक है, अगर सोचिए कि नीचे वाला जो आउटलेट पाइप है उसी टाइम पर वो भी ऑन है, उसी टाइम पर वो भी ऑन है, तो हम ये कहेंगे कि टाइम कम किस में लगेगा। इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर रिजल्ट फोर में एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, मतलब ए पाइप जो है वो तो टैंक को भर रहा है और बी पाइप जो है वो टैंक को खाली कर रहा है। तो अगर बी पाइप जो है वो कितना टाइम ले रहा है खाली करने में, एन बी, ठीक है, हाँ वो टाइम ले रहा है एन बी, और ए पाइप उसको भरने में टाइम ले रहा है एन ए, तो एन ए जो है वो टाइम कम है। तो कम टाइम अगर लग रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा स्पीड से भर रहा है उसको, वो टैंक को ज्यादा स्पीड से भर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में उसको खाली होने में एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, यानी कि एम्प्टी होने का टाइम ज्यादा है, यानी कि खाली होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि टैंक पहले भर जाएगा, ये समझ में आई कि नहीं, टैंक भर पहले जाएगा उसको खाली होने में क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है, बिकॉज एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। नहीं समझ में आया? समझ गए कृतिन कि टैंक को खाली होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल जो है टैंक भर पहले जाएगा, खाली बाद में होगा। तो हम ये कहेंगे इसीलिए इसमें बोला जाएगा द टैंक कैन बी फिल्ड इन एनी बी आवर्स, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, वन अपॉन एन ए माइनस वन अपॉन एन बी। ये एन ए कौन सा टाइम है, भरने वाला टाइम है, एन बी कौन सा टाइम है, खाली होने वाला टाइम है। वहीं इसका उल्टा देख लो रिजल्ट फाइव में, रिजल्ट फाइव में क्या है कि जो एन बी है वो एन ए से कम है, यानी कि खाली जल्दी हो रहा है और भर देर से रहा है, इसका मतलब टैंक खाली पहले हो जाएगा, खाली जल्दी हो जाएगा और भरेगा देर से। मतलब अगर इतना बड़ा अगर मान लीजिए इतना बड़ा कोई पाइप है, इतना बड़ा कोई पाइप है जिससे वो एम्प्टी हो रहा है टैंक, और आप इतने छोटे से पाइप से उसको भर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको भरते रहो वो भरेगा नहीं, वो एम्प्टी पहले हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी होने वाला पाइप का डायमीटर ज्यादा बड़ा है। तो वही चीज है कि इस केस में क्या है, इस केस में वो एम्प्टी पहले हो जाएगा। तो कितने टाइम में वो एम्प्टी होगा, ये है द टैंक कैन बी एम्प्टीड इन एन ए बी आवर्स, और ये टाइम कैसे निकाला जाएगा, वन अपॉन एन बी माइनस वन अपॉन एन ए करके। समझ गए, इसमें टैंक एम्प्टी हो रहा है रिजल्ट फाइव में, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी होने में टाइम कम लग रहा है और भरने में टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो एम्प्टी पहले हो जाएगा। तो इस केस में ये वाला केस हमको, ये वाला रिजल्ट कब यूज करना है, जब टैंक एम्प्टी हो रहा हो। ये वाला रिजल्ट हमें कब यूज करना है, जब एक पाइप भर रहा हो दूसरा पाइप खाली कर रहा हो, भरने वाले की स्पीड ज्यादा तेज हो, मतलब भरने में टाइम कम लग रहा है और खाली होने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वो भरेगा पहले, तो ये एम्प्टी होने का टाइम है। वन अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन एन ए माइनस वन अपॉन एन बी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और ये तीनों केसेस शायद समझ में आ ही गए होंगे। मैं इसके बाद इसके एक दो एग्जाम्पल्स कराता हूँ। एक एग्जाम्पल देखिएगा इसका, पेज नंबर 3.14, एग्जाम्पल नंबर 1। कृतिन ये ले ली क्या तुमने आरडी? यस सर, ऑर्डर कर दिया सर, फ्राइडे तक डिलीवरी डेट है शायद। अच्छा अच्छा, चलो तो एग्जाम्पल ऑनलाइन करिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, देखें ये है पेज नंबर 3.14। पेज नंबर 3.14, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 20 and 30 minutes respectively. Full stop. If both the pipes are used together, if both the pipes are used together. How long will it take to fill the tank, comma,
how long will it take to fill the tank? Two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes. इसका मतलब 20 एंड 30 मिनट्स, सॉरी मैं रिस्पेक्टिवली लिखना भूल गया, इसमें रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि ए पाइप को टाइम लग रहा है कितना, 20 मिनट्स, एन ए इज इक्वल टू 20 मिनट्स, एन बी इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो वो जो पूरी लंबी कहानी होती थी वो लिखने की जरूरत नहीं है, टुगेदर दोनों के दोनों पाइप मतलब साथ मिलकर कितनी देर में भरेंगे वो टाइम को मैं क्या लेता हूं, एन ए बी, तो रिलेशन क्या है, रिजल्ट नंबर वन, तो मैं कहूंगा रिजल्ट वन को यूज करके हम लिखेंगे वन अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन बी। तो वन अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन 20 प्लस वन अपॉन 30, वन अपॉन एन ए बी is equal to 20 और 30 का LCM 60, 23 जा 60, 3 1 जा 3, plus 32 जा 60, 2 1 जा 2, तो 1 upon NAB is equal to 3 plus 2 यानी कि 5 upon 60, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो इसका मतलब NAB कितना हो गया, 12 minutes, minutes में दे रखा है ना दोनों time, कि अगर दोनों पाइप्स को एक साथ डाल दिया जाए तो दोनों पाइप्स मिलकर उस टैंक को 12 मिनट में भर देंगे। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। मैं अब देखूंगा इसके बाद एग्जांपल नंबर टू देखते हैं। Example number two में है, one pipe can fill a tank three times as fast as another pipe. One pipe can fill a tank three times as fast as another pipe, three times as fast as another pipe, full stop. If together the two pipes can fill the tank in 36 minutes, how much time the slower pipe alone take to fill the tank? अब एक चीज समझ लेना, स्लोअर पाइप का मतलब क्या है कि जो ज्यादा टाइम ले रहा है टैंक को भरने में, जो ज्यादा टाइम ले रहा है वो स्लोअर है, और जो कम टाइम में टैंक को भर रहा है वो फास्टर है। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, एनए जो है इसको मान लीजिए एक्स मिनट्स, ठीक है, वो लंबी कहानी के लेट द पाइप ए फिल द टैंक इन एक्स मिनट्स अलोन, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एनए का मतलब हमको दिमाग में रखना है, एनए का मतलब क्या, एनए का मतलब ये है कि टाइम टेकन बाई पाइप ए अलोन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फिर मैं कहूंगा एनबी, एनबी कितना टाइम ले रहा है, वो थ्री टाइम्स ले रहा है, थ्री एक्स। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एनबी जो है वो स्लोअर पाइप है क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा है, और एनए जो है वो फास्टर पाइप है। इसका मतलब मुझे ये एनबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा
इन्होंने ये कहा इफ टुगेदर द टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स, यानी कि NAB इसकी वैल्यू दे रखी है 36 मिनट्स, तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन NA प्लस 1 अपॉन NB इज इक्वल टू 1 अपॉन NAB। मैंने रिजल्ट 1 को ही उल्टा करके लिख दिया, 1 अपॉन NA प्लस 1 अपॉन NB इज इक्वल टू 1 अपॉन NAB, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। तो 1 अपॉन NA क्या है, 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन NB क्या है, 1 अपॉन 3X इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। X और 3X का LCM 3X आ जाएगा, X में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3X आ जाए, 3, 3 into 1, 3, 3X में क्या मल्टीप्लाई करें, कुछ भी नहीं, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3X इज इक्वल टू 36, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, X into 1, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू वन एक्स आ गया और 12 इंटू फोर कितना आ गया 48, तो NB जो है NB क्या हो गया 3 इंटू 48, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 144 मिनट्स। जो स्लोवर पाइप है वो अकेला अगर चालू करा जाए तो वो 144 मिनट्स लेगा टैंक को अकेला फिलअप करने में। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं होमवर्क yes, इसमें कुछ नहीं दूंगा, मैं इसके कल आपको क्वेश्चंस कराता हूं और कल भी आपका यही टाइम रखूंगा मैं 2 बजे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 2 बजे में? नो सर। सर वेंसडे कल ना? हाँ कल। अच्छा ओके सर, रख लूं कल 2 बजे, बताओ? यस सर। यस सर, कल 2 बजे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और फिर उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओके, थैंक यू सर। ओके।